नमस्कार, आरआरसी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सभी को आतुरता से गणपति बाप्पा की प्रतीक्षा। फर्जी रबर स्टैंप व हस्ताक्षर कर लाखों की ठगी। पुलिस ने ली गणेश मंडलों के पदाधिकारियों की सभा। अगरवेज की दुरुस्ती से रास्ता होगा काफी छोटा। पर्यावरण पूरक गणेश स्पर्धा में बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान। सुखकर्ता दुखहर्ता श्री गणेश के आगमन की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। सभी गणेश मंडलों के पंडाल बड़ी आतुरता से श्री गणेश के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शुक्रवार 25 अगस्त को सुखकर्ता दुखहर्ता मंगलदायी श्री गणेश का आगमन हो रहा है। श्री गणेश के आगमन को देखते हुए सभी ओर उल्लास का वातावरण दिखाई दे रहा है। अकोला शहर में सैकड़ों की संख्या में गणेश मंडल एक से बढ़कर एक गणेश मूर्तियों की स्थापना करते हैं। पंडाल से लेकर आकर्षक सजावट रोशनाई से सभी मार्ग जगमगा उठते है। अकोला शहर के सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल द्वारा अपनी सभी प्रकार की तैयारियां सप्ताह भर पहले से ही शुरू कर दी थी, जिसके कारण गणेशोत्सव के आरंभ में ही सभी मंडलों की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। गणेश मंडलों के साथ ही शहर के सभी मूर्तिकार अपनी अपनी गणेश मूर्तियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। इस साल भी मूर्तिकारों ने सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों के ऑर्डर के अनुरूप एक से बढ़कर एक गणेश मूर्तियों का निर्माण किया है। गणेशोत्सव के चलते सभी ओर उत्साह का वातावरण दिखाई पड़ रहा है। विशेषकर बच्चों और युवाओं का जोश पूरे उफान पर नजर आ रहा है। आरटीओ का फर्जी रबर स्टैंप बनाकर व फर्जी हस्ताक्षर कर फोर व्हीलर वाहन खरीदने वाले से लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को रामदासपेट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरटीओ की फर्जी रबर स्टैंप व हस्ताक्षर कर फोर व्हीलर लेने वालों को ठगने वाले को रामदासपेट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अकोला के न्यू तापड़िया नगर निवासी 35 वर्षीय कुणाल संतोष पांडे पिछले 10 साल से खंडेलवाल ऑटोमोबाइल में काम कर रहा था, जिसके कारण उसे फोर व्हीलर के कागजातों के साथ ही टैक्स की अच्छी जानकारी हो गई थी। इस दौरान फोर व्हीलर गाड़ियां लेने वाले ग्राहकों को आरटीओ टैक्स के नाम पर आरोपी ने आरटीओ के फर्जी रबर स्टैंप व हस्ताक्षर कर कई वाहन धारकों को ठगा था। संदेह आने पर एक ग्राहक ने इसकी शिकायत भी की थी, जिसके बाद खंडेलवाल ऑटोमोबाइल के संचालक आलोक खंडेलवाल व वसंत खंडेलवाल ने इसकी शिकायत रामदासपेट थाने में जांच के दौरान 8,24,026 रुपए की ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने धारा 406, 409, 426, 468 व 471 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई की जानकारी जांच अधिकारी शैलेश मस्के ने आरआरसी न्यूज से बोलते हुए दी। काल दिनांक 23/8/17 रोजी खंडेलवाल ऑटो डीलरचे जे संचालक आहेत ते पोलीस स्टेशनला लेखी तक्रार घेऊन आले की त्यांच्या इथे काम करणारा कुणाल पांडे हा त्याच्या पदाचा गैरवापर करून आरटीओचे खोटे दस्तऐवज तयार करून त्याने ग्राहकांची तसेच फिर्यादीची आलोक खंडेलवाल यांची फसवणूक केलेली आहे। सदर त्यांच्या लेखी रिपोर्टवरून 420 गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि तसेच आरोपीला तात्काळ अटक करून माननीय पोलीस अधीक्षक साहेब तसेच पोलीस निरीक्षक साहेब रामदास पेठ यांच्या आदेशामुळे पुढील तपास चालू आहे। तसेच आज आरोपीला आम्ही पीसीआरसाठी कोर्टात प्रोड्यूस करणार आहोत। पुलिस ने गणेश मंडलों के पदाधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। गणेश उत्सव के दौरान सभी प्रकार के नियमों का पालन करने को कहा गया है।
गणेश उत्सव को देखते हुए पुलिस द्वारा सभा व बैठकों के दौर शुरू किए गए हैं। रामदासपेट पुलिस थाने के हद में 65 गणेश मंडल आते हैं, जिसमें से 56 गणेश मंडल सार्वजनिक है, जिसमें से 9 गणेश मंडल अपनी मूर्तियां गणेश विसर्जन शोभा यात्रा में शामिल करते हैं, जिसे लेकर रामदासपेट थाने में गणेश मंडलों के पदाधिकारियों की सभा ली गई। इस सभा में गणेश मंडलों को निर्देश दिए गए कि वे अपनी गणेश मूर्ति की सुरक्षा व्यवस्था स्वयं करें, इसके लिए कार्यकर्ता नियुक्त करें, पंडाल परिसर में सीसीटीवी की व्यवस्था करें। गणेश उत्सव को लेकर शासन द्वारा जो नियम तय किए गए हैं उसका कड़ाई से पालन करें। इस बैठक में पुलिस उप अधीक्षक उमेश माने पाटिल, रामदासपेट के थानेदार शैलेश सपकाल ने गणेश मंडल के पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया। जिन गणेश मंडलों ने अभी तक संबंधित विभागों से गणेश स्थापना की अनुमति नहीं ली है, वे अनुमति जरूर ले, इस प्रकार का आह्वान पुलिस उप अधीक्षक उमेश माने पाटिल ने आरआरसी न्यूज से बोलते हुए किया है। पुलिस दलामार्फत अकोल्यातील सर्व रहिवासींना आवाहन करण्यात येत आहे की अकोला शहर विभागामध्ये जी दिनांक 10/8/2017 ते दिनांक 11/8/2017 या कालावधीमध्ये एक खिडकी योजना सुरू होती। या एक खिडकी योजनेचा बहुतांश गणपती मंडळाने खूप चांगल्या प्रकारे फायदा करून घेतलेला आहे, परंतु ज्या गणपती मंडळाने या योजनेचा फायदा करून घेतलेला नाही, परवानगी घेतलेली नाही, त्यांना अजून गणपती स्थापनेसाठी 2 दिवस अवकाश आहे। तत्पूर्वी त्यांनी आपल्या गणपती मंडळाची परवानगी इतर सर्व विभागाकडून घेणे आवश्यक आहे। या माध्यमाद्वारे मी आपणास सांगू इच्छितो की आपले गणपतीचे मंडळ आहे ते रस्त्यावर येता कामा नये, त्याची स्थापना ही योग्य ज्या परवानगी दिलेली आहे त्याच्यामध्ये करावी। 10 दिवस हा उपक्रम चालणार आहे तर या कालावधीमध्ये आपण शांतता राखावी, आपल्या मंडळाची जी मूर्ती आहे त्याची संरक्षणाची जबाबदारी देखील आपली आहे, त्याच्यासाठी मूर्ती सुरक्षा समिती आपण स्थापना आवश्यक आहे। मंडळाची पूर्ण सुरक्षा ही आपल्याच हाती आहे, त्याशिवाय दिनांक 2/3 जी बकरी ईद असेल त्या कालावधीमध्ये देखील आपल्या पूर्ण शहरामध्ये शांतता असावी। गुलजारपुरा परिसर के अगरवेज का दुरुस्ती कार्य शुरू किया गया है, जिसके कारण यह मुख्य सड़क काफी छोटी हो रही है, जो भविष्य में भारी परेशानी खड़ा करने वाली है। अकोला के गुलजारपुरा मार्ग पर स्थित अगरवेज का दरवाजा क्षतिग्रस्त हो गया था। अगरवेज की दीवार में पीपल का वृक्ष निकल आया था, जिसके बढ़ने के कारण अगरवेज में दरार आ गई थी। महापालिका ने पीपल के पेड़ को उखाड़ा था, जिसके कारण अगरवेज के दरवाजे का हिस्सा ढह गया था। अब महापालिका ने गणेश विसर्जन की शोभा यात्रा को देखते हुए अगरवेज को दुरुस्त करने का काम शुरू किया है, परंतु इस दुरुस्ती कार्य में अगरवेज के दरवाजे के निर्माण में काफी जगह घेरी जा रही है, जिसके कारण इस मार्ग से ट्रक निकलना मुश्किल होने वाला है। गौरतलब यह है कि गणेश विसर्जन की शोभा यात्रा अगरवेज के मार्ग से ही होती है। वर्तमान समय में निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी ओर गंभीरता से ध्यान देते हुए आवश्यक निर्णय लिए जाने की जरूरत है, अन्यथा गणेश विसर्जन के दौरान बड़ी समस्या सामने आ सकती है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल व आरआरसी चैनल द्वारा पर्यावरण पूरक गणेश स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। पर्यावरण पूरक गणेश स्पर्धा में बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान किया गया है। अकोला में श्री गणेश उत्सव अत्यंत उत्साह के साथ मनाया जाता है। अपने लाडले गणपति बाप्पा के आगमन की सभी को उत्सुकता होती है। सार्वजनिक जगहों समेत घर घर श्री गणेश विराजित किए जाते हैं। वर्तमान समय में पीओपी बने गणेश मूर्तियों को अधिक महत्व दिया जाता है। ऐसी मूर्तियों के कारण पर्यावरण का भारी नुकसान होता है। गणपति बाप्पा ये भक्ति व श्रद्धा का स्थान है, उनकी अवहेलना ना हो इसकी जिम्मेदारी प्रत्येक की है, जिसके कारण प्रत्येक नागरिक पर्यावरण पूर्वक गणपति की स्थापना करे, इस प्रकार का आह्वान सभी स्तरों पर किया जा रहा है। इस उद्देश्य को लेकर आरआरसी डिजिटल नेटवर्क व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा पर्यावरण पूरक गणपति स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। 25 अगस्त गणपति की स्थापना से लेकर 3 अगस्त तक इस स्पर्धा में भाग लिया जा सकता है। इस स्पर्धा में भाग लेने के लिए आप अपने घर अथवा सार्वजनिक जगहों पर स्थापित पर्यावरण पूरक
गणेश के फोटो व पर्यावरण पूरक सजावट के फोटो भेज सकते हैं। चुने गए विजेताओं को आकर्षक पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इस स्पर्धा में शामिल होने के लिए व्हाट्सएप क्रमांक 9028296220 9028733210 पर फोटो भेज सकते हैं अथवा rrceco@gmail.com पर भी फोटो भेज सकते हैं। इस स्पर्धा का बड़ी संख्या में लाभ लेने का आह्वान किया गया है। गणेश उत्सव व बकरीद को देखते हुए पुराना शहर पुलिस थाने में शांतता समिति की सभा ली गई। इस सभा में सभी त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ मनाने का आह्वान किया गया। गणेश उत्सव व बकरीद को देखते हुए पुराना शहर पुलिस थाने में शांतता समिति की सभा ली गई, जिसमें पुलिस अधिकारियों ने गणेश उत्सव व बकरीद त्योहार को शांतता व भाईचारे के साथ मनाने का आह्वान किया गया। इस सभा में पुलिस उप अधीक्षक उमेश माने पाटिल, पुराना शहर के थानेदार विनोद ठाकरे समेत शांतता समिति सदस्य, ज्येष्ठ नागरिक, गणेश मंडलों के पदाधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व शांतता समिति सदस्यों ने अपने विचार रखे व सभी प्रकार के त्योहारों को आपसी भाईचारे से मनाने का आह्वान किया। सुहागिनों का सबसे पसंदीदा हरतालिका तीज त्योहार के चलते महिलाओं ने लगने वाले आवश्यक पूजन सामग्री की जमकर खरीदारी की। हरतालिका तीज के लिए शहर के प्रत्येक मुख्य मार्ग पर दुकानें लगी थी। गुरुवार 24 अगस्त को सुहागिनों का सबसे प्रिय त्योहार हरतालिका तीज है। हरतालिका तीज में लगने वाली आवश्यक पूजन सामग्रियों की दुकानें शहर के सभी प्रमुख मार्गों पर लगी है। शहर के गांधी मार्ग, ओपन थिएटर मार्ग, जय हिंद चौक से लेकर किले तक संतोषी माता मंदिर के सामने, जठारपेट, बड़ा पुल के पास पूजन सामग्री की 100 से अधिक दुकानें लगी है। ग्रामीण इलाकों के लघु विक्रेताओं ने ये दुकानें लगाई है, जिसमें धतूरे का फल, आंवले, सीताफल, नींबू, केले के खाप, करदड़ी का फल समेत कई प्रकार की जंगली वनस्पतियों का समावेश है। इसी प्रकार सुहागपुड़ा, हरी चूड़ियों की भी जमकर बिक्री हो रही है। प्रत्येक सुहागिन महिला हरतालिका तीज की खरीदारी में जुटी है। हरतालिका पूजन के लिए सभी प्रकार की वनस्पतियों का पुड़ा 20 रूपए, जबकि सुहागपुड़ा 10 रूपए के हिसाब से बेचा जा रहा है। इन पूजन सामग्री की दुकानों पर सुहागिन महिलाएं भारी भीड़ कर रही है, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों के लघु व्यवसायियों के चेहरे खिले खिले नजर आ रहे हैं। लालबाग के राजा के आगमन के बाद मालीपुरा के राजा का शहर में आगमन हुआ। मालीपुरा के राजा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। लालबाग के राजा के बाद मालीपुरा के राजा का आगमन अकोला शहर में हुआ। मालीपुरा में अर्जुन समाज गणेशोत्सव मंडल द्वारा पिछले 80 साल से श्री गणेश की स्थापना की जा रही है। अर्जुन समाज गणेशोत्सव मंडल का यह 81वां वर्ष है। इस साल भी मंडल द्वारा अत्यंत आकर्षक व विशाल गणेश मूर्ति का निर्माण किया है। अर्जुन समाज गणेशोत्सव मंडल द्वारा गणेशोत्सव के दौरान विभिन्न प्रकार के धार्मिक सामाजिक उपक्रम भी चलाए जाते हैं। शिव विवाह हर साल का आकर्षण होता है, जिसमें शिव की बारात निकाली जाती है। बुधवार को अकोला के प्रमुख मार्गों से विशालकाय गणेश की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका जगह जगह स्वागत किया गया। मालीपुरा में लालबाग का राजा, मालीपुरा का राजा व तेलीपुरा गणेशोत्सव मंडल की मूर्तियां सभी के आकर्षण का केंद्र रहती है। बार्षी टागड़ी के जमीयत उल्मा द्वारा कक्षा 10वीं व 12वीं के मेधावी छात्रों का भावपूर्ण सत्कार मान्यवरों की उपस्थिति में किया गया। जमीयत उल्मा बार्षी टागड़ी द्वारा हजरत उमर फिटनेस सेंटर में मेधावी छात्रों का सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जमीयत उल्मा के जिला अध्यक्ष मौलाना वसीउल्ला मजाहेरी ने की। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में बार्षी टागड़ी के तहसीलदार रवि काले, प्राचार्य मधुकर पवार, दिलीप सिरसाट, सहायक प्रशासन अधिकारी
पंचायत समिति बार्शी टाकड़ी, जमीयत के तहसीलदार अध्यक्ष मौलाना अब्दुल सलाम मजाहेरी, जनरल सेक्रेटरी सैयद आशिक प्रमुखता से उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावत एक कुरान से की गई, जिसका पठन हाफिज साद ने तथा नाज शरीफ हाफिज जुनेद बेग ने की। इस कार्यक्रम में धाबेकर विद्यालय से एसएससी प्रथम क्रमांक में उत्तीर्ण करने वाले इजाज दरपश, मुशरफ उल्ला खान, अदीबा खानम, यूसुफ खान, परबंदा महक, शरीउर रहमान, सावित्रीबाई विद्यालय के महरीन सदर मजहसल हुसन, महरोश अनम, अब्दुल मतीन, सैयद सोहराब, सैयद नाजिर, एचएससी के लिए रहनूर माली खान, नबीला अनम, तोकरी उल्ला खान, राहत परवीन, अजीमुद्दीन, आयशा अनम, नीट के लिए काजीमुद्दीन, अजीमुद्दीन, मराठी माध्यम के नेहा अंबादास पुन, मोहिनी इंगोले, भारत भिवा मोरे, ऋषिकेश अशोक मेटांगे का सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम का संयोजन मुफीज खान, मोहम्मद इमरान, शकील चौधरी, सलीम महक, हाजी रागिब, सैयद रफीक, रफीक सेठ, रफीक होटल वाले, हाफिज अब्दुल्ला, मास्टर सादिक, शेख इब्राहिम, मौलवी एजाज, मआज खान, शोएब इनामदार ने किया। कार्यक्रम का संचालन मास्टर यूसुफ खान ने तथा आभार प्रदर्शन मौलवी अजीजुल्ला मजाहेरी ने किया। मूर्तिजापुर के पास स्थित दालम्बी शेष शिवार में कुएं में डूबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह व्यक्ति पोले के कर मनाने अपने मित्रों के साथ आया था। श्रावण माह खत्म होने के साथ ही पोला त्योहार मनाया गया, जिसके बाद पर्व मनाया गया। मित्रों के साथ कर का मजा लेने के लिए गए व्यक्ति की कुएं में डूबने से मौत होने की घटना ने पूरे माहौल को गमगीन कर दिया। मंगलवार को घटी इस घटना के बाद पिंजर के संत गाड़गे बाबा आपातकालीन दल ने मृतक का शव गहरे कुएं से खोजने में सफलता पाई। मूर्तिजापुर समीप के दालम्बी शिवार में कुछ मित्र कर मनाने के लिए इकट्ठा हुए। इस दौरान चांडक के कुएं के समीप कर का आयोजन करने वाले कुछ मित्रों ने सुझाव दिया कि पहले नहा लिया जाए, उसके बाद कर का भोजन किया जाए। लिहाजा शिवनाथ जगन शनि से मंगलवार लगभग 5:45 बजे नहाने के लिए कुएं में उतरा, लेकिन खोह में जाकर फंस गया। काफी देर बाद उसके बाहर ना निकलने से मित्रों ने उसे खोजा, लेकिन वह नहीं मिल पाया। अंततः दालबी के पुलिस पटेल ने संत गाड़गे बाबा आपातकालीन दल को सूचना दी। दल प्रमुख दीपक सदाफले, उपेश बिल्लेवार, अजय जाधव, शुभम वानखड़े, सतीश मुंडाले, धीरज आटेकर, ऋतिक सदाफले ने मौके पर पहुंचकर कुएं के पानी से मृतक शिवनाथ का शव खोज निकाला। इस घटना से दालम्बी में शोक की लहर छाई है। आज सकाळी 7:30 दरम्यान मूर्तिजापूर चे आमदार हरीशभाऊ पिंपळे यांनी एक फोन केला की दालम्बीला एका विहिरीमध्ये एक माणूस पोहण्यासाठी गेला असता तो डुबलेला आहे, त्याला काढण्यासाठी आपण आपली टीम घेऊन या। आम्ही एक तासात घटनास्थळावर पोहोचलो आणि विहिरीची ट्रेस्ट केली आणि सर्च ऑपरेशन चालू केलं। विहिरीला अंदाजे 35 ते 30 फूट पाणी खोल होतं आणि डायमीटर मोठा असल्याच्यानं सर्च ऑपरेशन करण्यासाठी त्रास भोगावा लागला। गळ आणि लोखंडी रॅमच्या सहाय्याने आणि लायब्ररी। अकोला में अत्यंत उत्साह के साथ श्री रामदेव बाबा का 633वां जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर प्रत्येक रामदेव बाबा मंदिर में जम्मा जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अकोला शहर में अत्यंत उत्साह के साथ रामदेव बाबा का 633वां जन्मोत्सव अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। अकोला के बड़े राम मंदिर, नवग्रह शनि मंदिर, जेल चौराहे के पास स्थित मंदिर, संतोषी माता मंदिर सहित अन्य मंदिरों में श्री रामदेव बाबा का 633वां जन्म उत्सव अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। जन्म उत्सव पर श्री रामदेव बाबा के सभी मंदिरों को अत्यंत आकर्षक तरीके से सजाया गया था। प्रत्येक रामदेव बाबा मंदिर में जुम्मा जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिसमें भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक भजन गाकर सभी को भक्ति रस में डुबो दिया था। प्रस्तुत है जुम्मा जागरण कार्यक्रम की एक झलक। Yeah.
अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। सभी को आतुरता से गणपति बाप्पा की प्रतीक्षा। फर्जी रबर स्टैंप व हस्ताक्षर कर लाखों की ठगी। पुलिस ने ली गणेश मंडलों के पदाधिकारियों की सभा। अगरवेज की दुरुस्ती से रास्ता होगा काफी छोटा। पर्यावरण पूरक गणेश स्पर्धा में बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।